आज हम अपने शो पे बना रहे हैं आइसक्रीम सोडा कपकेक्स। बहुत सिंपल, इतना सिंपल। अपने बच्चों को साथ लगा लीजिए, आप साथ खड़े रहिए, उनको मेजरमेंट दे दीजिए और कप सर्वो और बोले एक प्याले में डालें, बीटर दीजिए, बोले बीट करें जस्ट फॉर 2 मिनट्स और कपकेक्स में डालें। सब साथ में, कोई चीज़ ये नहीं है कि पहले मक्खन डालना है फिर मैदा, नहीं, कुछ भी नहीं। पुट एवरीथिंग टुगेदर इन अ बोल एंड जस्ट बीट फॉर अबाउट 2 मिनट्स। दें आइसक्रीम सोडा कपकेक्स, ठीक है? ओके, आइसक्रीम सोडा कपकेक्स के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में डंप करूँगी मैं। फ्लावर 2 कप्स, 8 ounces। बटर 1/3 कप। मैंने अभी ब्रेक में इसको मेजर किया है, कप से ही किया है, 1/3 कप। शुगर 3/4 कप। थोड़ी कम लग रही है मुझे, ये वाली थोड़ी सी डाल देती हूँ, ठीक है? 3/4 कप शुगर हो गई। बेकिंग पाउडर 1 teaspoon। बेकिंग सोडा 1/2 teaspoon। सॉल्ट 1/4 teaspoon। अच्छा, eggs 2, ice cream soda 1 cup। नो एसेंस, नो कलर, बिकॉज एसेंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। आइसक्रीम सोडा में खुद ही एसेंस होता है।
इसमें 12 नहीं बनते हैं। मैंने आज जो रैपर्स लिए हैं थोड़े छोटे लिए हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, आइसक्रीम सोडा के बजाय आप कोका कोला कपकेक्स भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी फॉलो करनी है, सेम। इंस्टेड ऑफ 1 कप आइसक्रीम सोडा यू कैन ऐड 1 कप कोक। सिंपल। चलिए जी, ब्रेक का कहा गया है मुझसे, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह ताला 10-11 तो बन जाएंगे इसमें, ठीक है। और मैं इसको पूरा करके ओवन में डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बन गए हमारे, ठीक है। जो कप केक्स का हमने लिया था, जल्दी से रिकैप करती हूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया था एक प्याले में, उसमें मैंने 3/4 कप चीनी डाली थी, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ओके, ठीक है। सॉल्ट 1/2 टीस्पून, बटर सॉफ्टन 1/3 कप, आइसक्रीम सोडा 1 कप, एग्स 2, बस ये लिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक प्याले में डाल के, और मैंने 2 मिनट के लिए उसको लो स्पीड पे बीट किया। जब वह बीट हो गया तो फिर मैंने उसको कपकेक के लाइनर्स भी मफिन ट्रे में रख के उसमें डाल दिया, और 180 डिग्रीज पे हम इसको बेक करेंगे फॉर अबाउट 20 से 20। इसके ऊपर हमें आइसिंग शुगर डस्ट करनी है।